please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के बरेली में तीन तलाक और हलाला का विरोध करने वाली दरगाह आला हजरत परिवार की बहू निदा खान के खिलाफ फतवा जारी किया गया और फतवे में उनका हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुनाया गया। साथ ही फतवे में ये भी कहा गया कि निदा खान की मौत होने पर उन्हें कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह तक नहीं दी जाएगी। उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, बीमार पड़ जाए तो उसको देखने जाना, उसकी आयदत के लिए जाना, मर जाए तो नमाज जनाजा पढ़ना, तमाम आमतुल मुस्लिमीन के लिए हुक्म हुआ है कि बिल्कुल उसका शरई बायकाट करे। कि निदा ने फतवा जारी करने वालों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए करारा जवाब दिया है। मुझे इस्लाम से खारिज करने वाले वो होते कौन है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें दो पैरेलल कोर्ट नहीं चल सकते। रही शरीयत की बात, तो शरीयत पहले वो अपने घर में जाके लागू करें, फिर अवाम पे लागू करें, क्योंकि उनको बस शरीयत के नाम पे अवाम को भड़काना आता है जो वो करते आए। जो ये फतवा जारी किया गया है, ये सिर्फ एक सियासत और एक जात से दुश्मनी निकालने के लिए करा गया है। एक तरीके से देखा जाए कि कोई भी औरत जो अपने जुल्म के लिए, जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी, तो आज उसके साथ जाति के साथ साथ उसे इस्लाम से भी निकाल दिया जाएगा। एक तालिबानी हुकूमत की तरह ये हमारे साथ पेश आने लगे कि एक हलाला थी उस टाइम जो पढ़ाई के लिए पढ़ना चाहती थी और तालिबानियों ने उसके साथ बहुत भी बुदसलूकी करी, उसी तरीके से देखा जाए ये लोग भी वही कर रहे हैं कि हमने आपकी ऐसी कौन सी बात कह दी जो आप हमें इस्लाम से निकाल रहे हैं। और रही बात निकालने की, इनको अधिकार किसने दिया? जैसे तालिबानी को कोई अधिकार नहीं है किसी काम का, बट वो कर रहे हैं, उसी तरीके से इन्हें भी किसी तरीके का अधिकार नहीं है हमें इस्लाम से निकालने का, तो कैसे निकाल सकते हैं? और देखा जाए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब बात डेमोक्रेटिक कंट्री की होती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दी, कुछ ह्यूमन राइट्स दी हैं, तो इन्होंने एक तरीके से मेरी फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन किया है, जो इनको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में लायबल होना चाहिए इस चीज़ के लिए। और रही फतवा इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ये सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इनवैलिड कर दिया था, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था, उसके बावजूद ये फतवे क्यों जारी किए जा रहे हैं? अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, निदा खान ने तो इस फतवे को लेकर के करारा जवाब दिया है, लेकिन मुस्लिम समाज इस फतवे को कितनी गंभीरता से ले रहा है? उनकी ओर से एक फतवा जारी किया गया, उनका ये कहना है जिन हालातों में उन्होंने ये कहा है वो ठीक है, और फिलहाल अभी हमने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की है, वो इसको उन परिस्थितियों के मुताबिक जायज ठहरा रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस निदा खान के उनके प्रतिक्रिया के बाद ये क्या कहते हैं, लेकिन कितना तय है कि इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर उस बरेली के इलाके की जो सियासत है, जो राजनीति, जो सामाजिक माहौल है, उसमें राजनीति और उसमें अन्य जो हरकतें हैं वो गर्म हो गई हैं, और आने वाले दिनों में और भी इस तरीके के बयान एक दूसरे की ओर से देखने को मिलेंगे हमें। अमित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी के बरेली में मुस्लिम समाज से जुड़े कुछ लोग मीडिया के सामने एक फतवा पढ़ने लगे। ये फतवा तीन तलाक और हलाला का विरोध करने वाली दरगाह आला हजरत परिवार की बहू निदा खान के खिलाफ जारी किया गया, और इसे जारी करने के बाद निदा खान का हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुना दिया गया। इससे बातचीत, सलामो कलाम और उसके साथ खान पान सब बंद कर दें, अगर बीमार पड़े तो देखने ना जाएं। दरगाह आला हजरत से जुड़े एक संगठन दारुल इफ्ता के जारी किए गए फतवे के मुताबिक निदा खान की मदद करने वाले, उनसे मिलने जुलने वाले मुसलमानों को भी इस्लाम से खारिज किया जाएगा, और निदा की मौत पर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, साथ ही उन्हें कब्रिस्तान में दफनाने की जगह भी नहीं दी जाएगी। निदा खान ये बयानबाजी कर रही है और हलाला और तीन तलाक के मसले पे उन्हें इल्म नहीं है और वो बयानबाजी कर रही है, इससे वो इस्लाम से खारिज हो चुकी है। वहीं निदा खान ने फतवा जारी करने वाले लोगों पर उनके बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया, और फतवा जारी करने वालों को कड़े शब्दों में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दे दी। साथ ही निदा खान ने फतवा जारी करने वालों पर भी शरीयत के नाम पर लोगों को भड़काने का आरोप भी लगाया, और दरगाह आला हजरत के दारुल इफ्ता की जारी किए गए फतवे को मानने से साफ इनकार कर दिया। मुझे इस्लाम से खारिज करने वाले वो होते कौन है? शरीयत पहले वो अपने घर में जाके लागू करे, फिर अवाम पे लागू करे, क्योंकि उनको बस शरीयत के नाम पे अवाम को भड़काना आता है। निदा खान का दावा है कि उनका निकाह 16 जुलाई 2015 को दरगाह आला हजरत परिवार के उस्मान रजा खान के बेटे शिरान रजा से हुआ था।
निदा ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनका गर्भपात हो गया। साथ ही ये आरोप भी है कि उनके पति शिरान ने 5 फरवरी 2016 को 3 बार तलाक बोलकर उन्हें घर से निकाल दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया और 3 तलाक और हलाला से परेशान महिलाओं की मदद करने लगी। हालांकि निदा के पति शिरान रजा ने दोनों की सहमति से अलग होने का दावा किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में अफसरों के तबादले और पोस्टिंग के मसले पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पुलिस, पब्लिक और जमीन के अलावा बाकी सभी चीजें दिल्ली सरकार के अधीन रहेंगी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार और LG के बीच तलवार खींची रही, इसको लेकर आज कुछ तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने आज सभी दलों की एक बैठक बुलाई है। बुधवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सुबह 11 बजे और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने शाम 7 बजे सभी दलों की एक बैठक बुलाई। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए दावा किया कि राहुल गांधी और शशि थरूर कांग्रेस को धराशायी करने का काम करेंगे। दिल्ली की लोकायुक्त अदालत ने बेनामी संपत्ति और हवाला केस के आरोप में मंत्री सत्येंद्र जैन को कारण बताओ नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश की वजह से छनबाल गांव एक द्वीप में तब्दील हो गया, जबकि बाढ़ में फंसे 6 लोगों को NDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचा लिया। महाराष्ट्र के वसई में भारी बारिश की वजह से 2 दिन बाद एक शव को अंतिम संस्कार के लिए ऑटो पर रख कर ले जाना पड़ा, जबकि मोबाइल बंद होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं बुलाई जा सकी। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ने के साथ ही लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। थाने के कल्याण में महानगर पालिका के दफ्तर के सामने 2 गुटों में हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए। बिहार में नालंदा जिले के बिंद बाजार में पूजा का प्रसाद खाने से 33 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बिहार के भोजपुर जिले में पेट्रोल पंप में लूट की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 4 बदमाश हाथों में पिस्तौल लेकर कर्मचारियों को डराने के बाद वहां रखा सारा कैश लूट ले गए। जम्मू कश्मीर में सोपोर इलाके में सुरक्षा बल ने 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बल का दावा है कि पकड़े गए 3 संदिग्ध आतंकियों का ताल्लुक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से है, और ये 3 घाटी में गुपचुप तरीके से जैश की गतिविधियों को अंजाम देते थे। पकड़े गए 3 संदिग्धों में एक को सोपोर में तलाशी अभियान के समय पकड़ा गया, जबकि बाकी 2 संदिग्ध आतंकियों को सुरक्षा बल ने नाकेबंदी के समय धर दबोचा। पकड़े गए आतंकियों का नाम बिलाल अहमद कालू, आसिफ शेख और मजीद मीर बताया गया। साथ ही इन संदिग्ध आतंकियों से सुरक्षा बल ने 3 ग्रेनेड, AK-47 की 4 गोलियां और आतंकी संगठन जैश से जुड़े कुछ दस्तावेज बरामद किए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चेन्नई में सोमवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नागराजन नाम की सड़क ठेकेदार की कंपनी SPK ग्रुप के दफ्तरों पर छापेमारी की। इन छापेमारी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 160 करोड़ रुपए कैश और 100 किलो सोना बरामद किया। छापेमारी की कार्यवाही तमिलनाडु में 22 अलग अलग जगहों पर की गई। जिस ठेकेदार नागराजन के दफ्तरों पर ये छापेमारी की गई, उसके AIADMK के कई नेताओं से करीबी संबंध होने का दावा भी किया जा रहा है। बुधवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा है। आज यानी मंगलवार को भी संसद परिसर में बैठकों का दौर जारी रहेगा। पहली बैठक सुबह 11 बजे केंद्र सरकार ने बुलाई है, जिसमें पक्ष विपक्ष सभी राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके बाद दोपहर 3 बजे BJP संसदीय दल की बैठक होगी और शाम 4 बजे NDA के नेताओं की बैठक होगी। वहीं शाम 7 बजे लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यूपी में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पुलिस के ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों की जांच की मांग की है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पुलिस के एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए दावा किया कि अधिकारी नाम और प्रमोशन पाने के लिए फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। गाजियाबाद में SO सस्पेंड हुआ, वहां पूरी फोर्स सस्पेंड हुई, फर्जी एनकाउंटर हो गए। कभी कभी नाम कमाने के चक्कर में कुछ अधिकारी
कभी कभी गलत कर जाता है। अगर कोई ऐसी घटना अगर हो जाती है जिसमें है कि नहीं ये गलत हुआ है, उसकी जांच की जाएगी। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी को लेकर NHRC ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा। महाराष्ट्र में साल मार्च से मई महीने के बीच में 639 किसानों की खुदकुशी को लेकर NHRC ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। गुजरात में अगले 5 दिनों में भारी बारिश को लेकर NDRF और वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। केरल में यौन शोषण के आरोपी पादरी की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद पुलिस कांस्टेबल को पुलिस लाइन में आखिरी सलामी दी गई, जबकि SSP ने हमले के पीछे हिज्ब कमांडर जहूर खोकर का हाथ बताया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में BJP कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों की पिटाई कर दी। कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान की सजा के खिलाफ अपील पर जोधपुर की जिला कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बिहार के जम्मू में विदेशी शराब लदे हुए वाहन को रोकने की कोशिश करने पर ड्राइवर ने उत्पाद विभाग के एक कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ा दी, हालांकि बाद में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बाइक चोर को रंगे हाथों पकड़ने के बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पटना में एक तेज रफ्तार ट्रक चालक सड़क किनारे खड़े दंपति को कुचलकर फरार हो गया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति और उसका बच्चा जख्मी हो गए। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक हॉल में साथ नजर आए। वहां के राष्ट्रपति भवन में दोनों नेताओं की शिखर वार्ता हुई, जिससे दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की उम्मीद बढ़ गई। और जैसे ही दोनों नेताओं ने फिनलैंड के राष्ट्रपति भवन के एक हॉल में कदम रखा, वहां तालियों की आवाज गूंजने लगी। दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने तस्वीर खिंचवाई। ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन को फुटबॉल विश्व कप के सफल आयोजन के लिए बधाई दी और अच्छी बातचीत की उम्मीद जताई। Discussions on everything from trade to military to missiles to nuclear to China, our mutual friend, President Xi. पुतिन ने भी दोनों देशों के बीच चले आ रहे कई बड़े मसलों का हल बातचीत से निकालने पर जोर दिया। मीडिया से मिलने के बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। इसके बाद दोनों ने बिना किसी अधिकारी की मौजूदगी में एक बंद कमरे में एक दूसरे से 90 मिनट तक बातचीत की। बिहार की राजधानी पटना में ADG के दफ्तर में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू सिटी SP अमरेश KD से बहस करने लगी। आरोपी के किसी मामले को लेकर सुषमा साहू ने SP को फोन किया था, लेकिन पुलिस अधिकारी ने उनसे बदतमीजी से बात की, जिसके बाद सुषमा साहू ने ADG विनय कुमार के सामने पुलिस अधीक्षक अमरेश KD से बहस करनी शुरू कर दी। इस बीच ADG विनय कुमार दोनों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुषमा साहू सिटी SP से बहस करती रही। हालांकि विनय कुमार के पूछने पर पुलिस अधीक्षक ने भी अपनी सफाई दी। शायद आपको भी मालूम नहीं है, गुड मॉर्निंग बोलना, यही चीज मैडम बोली थी। मैंने बोला उनको ADG के सामने पुलिस अधीक्षक की पेशी करवाने आई सुषमा साहू के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। कुछ देर बाद दोनों के बीच बहस बढ़ गई, जिसे देख सिटी SP अमरेश KD वहां से बाहर चले गए। मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में एक लड़की अपने मोबाइल पर एक लड़के की तस्वीर दिखाने लगी। आरोपी के सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के रहने वाले इस लड़के ने उसे प्यार के जाल में फंसाकर मुंबई की कई जगहों की जानकारी मांगी, जिसके बाद शक होने पर लड़की ने पुलिस और मीडिया के सामने उसकी पोल खोल दी। लड़की ने पुलिस को वो सारे सबूत सौंप दिए जो लड़के ने उसे प्यार में फंसाने के लिए मैसेज और तस्वीरों के जरिए भेजे थे। उसने एक इम्पोर्टेंट चीज ये लिखा था कि तुमसे मिलने के बाद मैंने अपना शादी प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर दिया। उसने अपना शादी प्रोफाइल ID भी मेंशन किया था मुझे, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे इमोशनली वो ब्लैकमेल करने लगा। लड़की का दावा है कि पाकिस्तान के रहने वाले लड़के ने उसे अपना नाम कनू भट्ट बताया और अपना परिचय इंग्लैंड में काम करने वाले एक डॉक्टर के तौर पर दिया था, जिसके बाद अपने लिए मैट्रिमोनियल साइट पर रिश्ता तलाश रही लड़की उसके जाल में आसानी से फंस गई। लेकिन शक होने पर उसने लड़के की तस्वीरों की छानबीन शुरू कर दी, जिनमें एक तस्वीर में एक फोटो स्टूडियो का नंबर लड़की को मिला। लड़की का दावा है कि जब उसने वो नंबर मिलाया तो वो पाकिस्तान के मुल्तान शहर का निकला। इतना ही नहीं, लड़की ने ये दावा भी किया कि खुद को कनू भट्ट बताने वाला आदमी शादीशुदा है और शक जताया कि उसका ताल्लुक कुछ संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने वाले संगठनों से हो सकता है। लड़की ने जब पाकिस्तान में रहने वाले लड़के से उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की तो उसने लड़की को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद में वो फेक निकला और वो इंडिया के भी नहीं है और किधर का है, वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने हनी ट्रैप का ये मामला दर्ज कर लिया और साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा गले में ढोल लटकाकर उसे बजाने लगे। विधायक कवासी लखमा वहां पक्की नौकरी की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे थे। और इसी बीच मजाकिया अंदाज में कवासी लखमा ने एक ढोल को गले में टांगा और उसे बजाने लगे। इस बीच उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों के बीच बैठकर छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के खिलाफ नारे भी लगाए। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष कवासी लखमा ने रमन सिंह सरकार पर किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगाया। 15 साल के सरकार में जितना कर्मचारी, किसान, मजदूर परेशान है, उससे ज्यादा कर्मचारी परेशान है। इसके अलावा उन्होंने कर्मचारियों को कांग्रेस की सरकार बनने पर पक्की नौकरी का भरोसा भी दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। भोपाल के एमपी नगर में लगी इस भीषण आग पर काबू करने की कोशिश जारी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंच गई हैं। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दरअसल 3 मंजिला इमारत में आग लगी है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस वक्त प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। एमपी नगर में लगी इस भीषण आग पर काबू करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, 3 गाड़ियां इस वक्त हैं और दमकल कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जाए। वो जी इंटरनेट की रफ्तार के मामले में भारत दुनिया में तो काफी पीछे है ही, पड़ोसी देश पाकिस्तान और म्यांमार भी भारत से आगे। दुनिया भर में इंटरनेट की स्पीड पर नजर रखने वाली यूके की कंपनी ओपन सिग्नल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 4G इंटरनेट की औसत स्पीड करीब 17 Mbps है, लेकिन भारत में 4G इंटरनेट की औसत स्पीड बमुश्किल 6 Mbps से कुछ ज्यादा। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान भी इस मामले में भारत से आगे है, जहां 4G इंटरनेट की औसत रफ्तार भारत से दुगनी से भी ज्यादा है। श्रीलंका में भी 4G इंटरनेट की औसत स्पीड करीब 14 Mbps है, तो म्यांमार इस मामले में और भी आगे है, जहां औसत स्पीड 15 Mbps से भी ज्यादा है। कंपनी ने भारत में धीमी रफ्तार की वजहों का भी जिक्र किया है। दावा किया गया है कि भारत में धीमे इंटरनेट की सबसे बड़ी वजह हर दिन तेजी से बढ़ती स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की गिनती है। राजस्थान के भीलवाड़ा में नगर परिषद के दफ्तर में कुछ लोग कुर्सियां उठाकर वहां के दरवाजे और खिड़कियों पर मारने लगे। वहां हंगामा कर रहे लोगों ने नगर परिषद के अधिकारियों पर सफाई कर्मियों की भर्ती में धांधली का आरोप लगाया और सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों ने दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। इन लोगों में दर्जनों महिलाएं भी शामिल थी। नगर परिषद के दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे लोगों ने आयुक्त और सभापति के कमरों को भी नहीं छोड़ा और वहां फाइल रखने वाली अलमारियों को उन्होंने बाहर निकालकर जमीन पर गिरा दिया। सरकारी संपत्ति को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जो कि बिल्कुल अनर्गल है, ये तरीका गलत है। नगर परिषद के खिलाफ लोगों ने दफ्तर के बाहर रैली भी निकाली। नगर परिषद के दफ्तर में हुए हंगामे के समय कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। बाद में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया।